করতে মাথা নিচু মাথা নিচু তুমি দড়িও নেই জামার অপরে সে পাপড়া মরে অডিও নেই তুমি দড়িও নেই রেকর্ড কর লো বাদ মে ঠিক আছে স্যার আজ मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज मैंने विश्व भारती में जाकर वो महामानव को श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला जिसने दुनिया भर में भारतीय ज्ञान दर्शन कला साहित्य इसकी गूंज मजबूत की। गुरुदेव टैगोर एक ऐसी शख्सियत थे जो उस जमाने में राष्ट्रवाद की दो धाराएं थी और दो धारा के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी और सुभाष बाबू। दोनों को प्रेरणा एक ही स्थान से मिलती थी। गुरुदेव टैगोर ने विश्व भारती और शांति निकेतन के माध्यम से एक और तो भारतीय साहित्य भाषा दर्शन कला उसका संरक्षण और संवर्धन किया, दूसरी ओर दुनिया भर के कई देशों की भाषा को साहित्य को दुनिया भर के कई देशों की संस्कृति को भारतीय संस्कृति के साथ भारतीय भाषाओं के साथ सामंजस्य बिठाने का शांतिनिकेतन को ये विश्व भारती को सेंटर बनाया। यहाँ ग्रामोत्थान स्वास्थ्य सफाई सहकारिता कृषि ये सारे क्षेत्रों को भी अर्थ जगत के साथ जोड़ने का काम श्रीनिकेतन के माध्यम से गुरुदेव ने किया और शायद दुनिया में एक ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी रची हुई रचनाएं दो राष्ट्रों का राष्ट्रगान है। गुरुदेव को जब नोबेल मिला तब मैंने किसी की एक उक्ति पढ़ी थी कि गुरुदेव के ज्ञान को गुरुदेव के साहित्य को गुरुदेव की कविता को नोबेल प्राइज ने एक्नोलेज किया है। मैं इतना बहुत मन से मानता हूं कि नोबेल प्राइज ने गुरुदेव की कविताओं को एक्नोलेज नहीं किया, नोबेल प्राइज ने गुरुदेव को सम्मानित कर अपने आप को एक्नोलेज कराया। और गुरुदेव की यही विरासत गुरुदेव का यही विचार जो बताते थे शिक्षा का उद्देश्य संकीर्णता की सभी बेड़ियों को तोड़ना हो सकता है और यथार्थ को सबसे अच्छे तरीके से जानना हो सकता है। तो वही उद्देश्य जब 100 साल पूरे होने जा रहे हैं महान संस्था के उस वक्त यहीं से फिर से एक बार मजबूती के साथ ये संदेश न केवल देश विश्व भर में जाए और गुरुदेव के विचारों के आधार पर भारतीयता को भारत के दर्शन को ज्ञान को साहित्य को कला को एक वैश्विक स्वीकृति मिले ये हम सब ये चाहेंगे। आज मैंने गुरुदेव जहाँ रहते थे वहाँ भी कुछ समय बिताया, महात्मा गांधी जहाँ रहे थे वहाँ भी थोड़ा समय बिताया और ये महान शख्सियत को ये महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।